Throw your hands up while I kill this shit. दोस्तों स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो पे। इस वक्त मैं हूँ क्रिएटिव डीजी एक्सपो में और अभी फिलहाल मैं हूँ सौर तरंग कैबिनेट में और मेरे साथ है सौर तरंग कैबिनेट के ओनर अपने भैया। तो भैया आप ही से जानना चाहेंगे कि इस बार हमारे स्टॉल में क्या कुछ नया रहने वाला है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफी सारे सबवूफर रखे हुए हैं, तो आप ही से जानना चाहेंगे कि ये सब कौन से ब्रांड है और क्या कुछ खास है, इनका प्राइस डिटेल क्या रहने वाला है। जी ये सेफ्रॉन ऑडियो के स्पीकर है, जैसे यहाँ पे बोर्ड देख पा रहा हूँ सेफ्रॉन ऑडियो, तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है सारे के सारे पूरे सेफ्रॉन ऑडियो के हैं। जी ये जैसे देख पा रहा हूँ काफी ह्यूज स्पीकर है, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइस कॉल 5 इंच। तो ये कौन से कैबिनेट में इसके लिए आप रिकमेंड करते हैं? ये LF, ये सिंगल स्कूप में रिकमेंडेड करते हैं, और LF सीरीज जैसे LF9 हो गया उसके लिए भी बहुत बेटर है। ये बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि अभी फिलहाल साउंड अच्छी चल रही है यहाँ पे। और सामने बढ़ते हैं। अच्छा ये SF सीरीज के हैं। अच्छा 186 नाम दे रही है सीरीज के। और ये है कुछ 454 पैटर्न पे, इसका प्राइस देख सकते हैं, ये 14,500 जो कि ये आउटडोर टेस्टिंग में या स्पीकर लगभग 400। अच्छा हाँ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो हमारे बाहर पे जो कैबिनेट चल रहे हैं वो कौन से है? मिनी स्कूप है। अच्छा वो मिनी स्कूप है। और उस पे स्पीकर कौन सा यूज हो रहा है? सेफ्रॉन एडू 451 मॉडल है। सेम यही वाली चीज लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, ये तो स्पीकर जैसे ये न्यूडियम दिख रहा है हमारे पास, ये कितने वाट का है? ये 400 वाट। 400 वाट का इसका प्राइस दिखाना है। 9,500। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वही कैबिनेट है जो हमारे इस बार आउटडोर में साउंड चेक में जो चल रहा है, इससे पहले जो चलते थे वो हमारे पॉपुलर ही है सिंगल फ्रंट रहते थे, इसके बारे में कुछ बताइए। ये मिनी स्कूप है, ये कितने इंचेस में भी है? जैसे 3 फीट 2.5 फीट होता है ना, ये 2.5 फीट पे है, 2.5 फीट पे है मिनी स्कूप है ये। और इनके अंदर जो स्पीकर्स लगे हैं वो स्पीकर्स 451 मॉडल सेफ्रॉन ऑडियो। मैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये हमारे कैबिनेट पे आज भी ये यहाँ पे बोल सकते हैं कपड़ा यूज हो रहा है, इसके पीछे का क्या है? पेंट भी करता हूँ मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉर्पोरेट पे ही रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहा हूँ आपको नोटिस करता हूँ आपके शुरू से जितने भी कैबिनेट आते हैं सार में आप लोग, मतलब ये आपका एक बोल सकते पैटर्न है जिसको आप मेंटेन कर रहे हैं आगे भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि कुछ कैबिनेट में आपका पेंट भी आता है वैसे देखने में काफी शानदार लगता है। इसमें अगर कस्टमर डिमांड करता है अभी जैसे इसमें लगा हुआ 451, अगर इसे अबव जाना चाहता है तो आप कौन सा रिकमेंड करेंगे? मैं ज्यादातर 451 पर ही रिकमेंडेड करता हूँ। 451 ही रिकमेंड करता हूँ, बट ऐसा 2000 वाट में अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है लगाने तो लगा सकते हैं, बट जो रिस्पांस आने है वो 451 बढ़ते हैं आगे। ये काफी पॉपुलर रहा है और ये काफी कुछ ब्रांड में मैं देखा हूँ जो पहले से छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा, इसके बारे में बताइए क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ये काफी दिनों बाद ये प्रोडक्ट ना दोबारा से मार्केट पे आ रहा है। जी जी जी, इसके बारे में कुछ बताइए। ये मैं बहुत पहले बनाता था कैबिनेट, ये डुअल 18 पे, और ये पहले 2 कलर का होता था। अच्छा जी, ये तो एक समझ में आ रहा है कुछ ब्राउन सा है और जी, कौन सा था ये? नहीं ब्राउन ही लगाता था मगर वो 2 कलर पे था, एक येलो। अच्छा और दो मतलब समझ गया, ऐसा कुछ क्रॉस पे पैटर्न रहता है जो आप देखे थे पहले। ये कैबिनेट कौन सा है वैसे? फ्रंट लोडेड है, कर्व है? नहीं ये फ्रंट है ये। अच्छा ये फ्रंट लोडेड है। इसमें मैक्सिमम कितने वाट तक जा सकता है? लगभग 1200। ये क्या इसका कैबिनेट मिलेगा या लोडेड ही मिलेगा? ये कैबिनेट मिलेगा। अच्छा कैबिनेट मिल जाएगा। हाँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है 35,000। ये एक्सपो प्राइस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा या अभी प्राइस? अभी ये एक्सपो प्राइस है। अच्छा और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा एक्सपो के बाद, क्योंकि अभी एक्सपो प्राइस है ये। अच्छा ये सेम चीज ब्लैक में भी मिल जाएगा? सेम ब्लैक पे भी है, मैरून कलर पे भी है। और ऊपर ये देख पा रहा हूँ ये डबल 12 की। अच्छा डबल 12 है? डबल 12 लाइन ए रहे हैं, काफी मॉनिटर सा दिख रहा है। जी जी जी, इसका प्राइस है 30,000। ये एम्प्टी कैबिनेट है या लोडेड है? नहीं खाली है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये हमारे ड्यूअल के कैबिनेट है, इसका जो ग्रिल है ना खास करके जैसे टॉप देख पा रहा हूँ ये ग्रिल का कैची है यहाँ पे, इसका प्राइस जैसे लिखा हुआ है लोडेड में 55,000 रुपए। इसमें स्पीकर कितने वाट के रहने वाले? 400 वाट की स्पीकर, इसमें सेफ्रॉन ऑडियो का सेफ्रॉन ऑडियो और 80 वाट के HF। 80 वाट HF और स्पीकर दोनों फेराइट में रहने वाले जी। और ये जैसे देख पा रहा हूँ ड्यूअल है, ये दोनों ड्यूअल में मतलब ये थोड़ा सा प्रीमियम सीरीज में हो सकती है। और इस पे कौन सा स्पीकर रिकमेंड करता है? 451 जो जी जी। अच्छा जो अराउंड का सबसे पॉपुलर है वो अराउंड प्रॉपरली, जैसे बहुत सारे हमारे भाई लोग रहते वैसे मैं ज्यादातर के जैसे धुमाल सेटअप वाले लोग हो गए उनको चाहिए होता है कि हमको भी कुछ ऐसा आप बना के दो कि मजा आ जाए। अच्छा तो मैं ये प्रॉपर धुमाल वाले लोगों के लिए बनाया हूँ एक सीरीज प्रॉपर धुमाल वालों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये है अपना सिंगल फ्रंट जी,
यहाँ पे लिखा हुआ है कैबिनेट 50,000। ये कैबिनेट लोडेड का प्राइस होगा ना यहाँ पे पियर का? नहीं, ये 4 पीस सिंगल कैबिनेट 50,000। अच्छा, 4 पीसेस का प्राइस है यहाँ पे, आप क्योंकि डिटेल नहीं लिखा है। इसमें कौन से स्पीकर रिकमेंड करते हैं? इसमें सेफ्रॉन ऑडियो में 4.5 इंच वाइस कॉइल पे 2000 वाट का। अच्छा, 2000 वाट जी, पीडी सीरीज जिसको बोलते हैं मार्केट में, वो भी चल सकता है, या फिर सेफ्रॉन का 2000 वाट का। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। थोड़ा ये तो बताने वाली बात नहीं है, ये मुंगेली एक्सपो में, धमतरी एक्सपो में 2 बार काफी बार रिपीट हो चुका है, और काफी सारे छत्तीसगढ़ में जो पॉपुलर डीजल है वो भी यूज कर रहे हैं। इसका प्राइस क्या रहने वाला है? ये अभी एक्सपो ऑफर है 1,15,000 रुपये, और इसमें लगा हुआ है 4551 मॉडल सेफ्रॉन ऑडियो। ये तो जैसे कि यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 1,15,000, ये एग्जीबिशन का प्राइस है। तो स्पीकर फिलहाल जैसे देख पा रहा हूँ, ये कौन सा स्पीकर है? ये सेफ्रॉन ऑडियो 451। अच्छा, सेफ्रॉन ऑडियो 451, 1500 से 1800, 451 जनरली मार्केट में 1800 वाट के नाम से आता है जी। और इसमें भी जैसे बता रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होता है कपड़े का काम, कारपेट का काम हो सकता है, वो होता है, बाकी क्वालिटी तो आप लोग देख ही सकते हैं। और ये जो है, इस कैबिनेट की पहचान है इंटीरियर में जो व्हाइट है, मेरे ख्याल से सबसे पहले आप ही किस कैबिनेट में जी भैया, इसके साथ कवर भी इंक्लूड है, और कैबिनेट पे 2 साल की वारंटी। कैबिनेट में 2 साल की वारंटी है? ये नॉन एक्सीडेंटल वारंटी रहने वाला है? नहीं, अगर खराब होता है, हाँ, या प्रेशर से अगर फट जाता है, प्रेशर से फटता है या जॉइंट कैसे लीक होता है, जी, तो उस कंडीशन में ये रिप्लेस हो जाएगा या रिपेयर करके देंगे? रिपेयर कर। अच्छा, रिपेयर करके देंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। वैसे होगा नहीं? हाँ जी, हाँ, वो इसलिए मैं बोला नॉन एक्सीडेंटल, क्योंकि कस्टमर अगर सामान गिराएगा तो वो कितना भी मजबूत, हाँ, वो अगर लोहे का भी है तो बैंड हो जाएगा, लेकिन खराब तो होगा जी। इसीलिए ये कुछ, ये LD18 है, इसको बोलते हैं पॉप डॉट ग्रिल है, पॉप का कैबिनेट जिसको बोलते हैं मार्केट में, वो है। ये LD18 है, पॉप का बेस, और ये जिनको हार्ड वाइब्रेशन चाहिए, हार्ड पंच और वाइब्रेशन, हार्ड पंच और वाइब्रेशन, तो उनके लिए बेटर है। अच्छा, ये कैबिनेट सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं उड़ीसा जी, ये हमारे उड़ीसा से लगे हुए जो सहरे गाँव है वहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड होता है पॉप कैबिनेट का। ये समथिंग कुछ अलग ही दिख रहा है, बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, ये क्या चीज आने वाला है? ये एक्सक्लूसिव है अभी। अच्छा जी, ये आने वाले बहुत जल्द मार्केट पे। अच्छा, तो ये फिलहाल सीक्रेट ही रहने वाला है? सीक्रेट ही रहने, बस आने वाले कुछ इवेंट है, हो सकता है वहाँ पे ये देखने के लिए मिल जाए। जी जी जी, ये सरप्राइज है। अच्छा, तो ये सिर्फ फिलहाल बोल सकते हैं अभी डेमो है? डेमो है, डेमो। और नीचे जो देख पा रहा हूँ, ये 10+ है ये? हाँ जी, ये 10+ है ये। अच्छा जी, LF8। अच्छा, LF8 बोल सकते हैं। और इसमें कौन से स्पीकर रहेंगे? इसमें 2000 वाट के। अच्छा, इसमें 2000 वाट के लगेंगे। और ये लाइव में क्या यूज हो पाएंगे? जैसे जनरली तो मिथ चलता है कि ये प्रॉपर डीजे के लिए ही बना। अच्छा, ये डीजे के लिए? डीजे के लिए, इसमें लाइव नहीं कर सकते। अच्छा, लाइव के लिए रिकमेंड नहीं करते ये, मतलब मोस्टली डीजे में ही यूज होगा जी। ये चीज क्या है? ये समथिंग अलग ही दिख रहा है, मतलब देखने में कुछ ऐसा है, बट ये कर्व जाली के साथ, ये क्या चीज है? ये है तो टीबिन जैसे पहले बनता था, जैसे हम देखते थे, तो मैं चाहा कि ओल्ड दिस गोल्ड कुछ नया हो जाए, ये जाली पे हो जाए ग्रिल पिन के, और लोगों के बीच में फिर इसको लाऊंगे, और काफी सारे लोग इसको पसंद भी किए। और ये जो टी पिन है, प्लाई इसकी होने वाली 19 mm, बाकी सारे जितने 19 mm की प्लाई है ये। तो जैसे मैं प्राइस देख पा रहा हूँ ना भैया, 45,000 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये 2 पेयर के हैं या 4 पीसेस? नहीं, ये 4 पीस के हैं, 45,000। 45,000 जी, 4 पीस के। ये टी पिन की कैबिनेट है। हाँ जी, इसको मोडी किए, थोड़ा सा इसको राउंड करते, कर्व पे जाली, ये आपकी आइडेंटिटी रही है, जैसे मैं उसमें भी देख पा रहा हूँ, वहाँ पे हल्का सा मोल्डिंग है, वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जी। और 45,000 रुपये पे 4 कैबिनेट विद कवर जी, ठीक है। और ये तो है रॉक्सी के, रॉक्सी 88,000। अच्छा, ये लोडेड पे है जी। स्पीकर कौन से भी है इसमें? भी है रॉक्सी का ही प्रो ब्रांड है, इसमें 7,500 वाट के एक स्पीकर लगे हुए 12 इंच पे, नियो का। अच्छा, नियो के लगे हुए, और अच्छा, और 30 वाट के उसमें 3 SF लगे हुए। अच्छा, तो काफी इम्पोर्टेंट सर आने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे सामने में कुछ और भी चीज देख पा रहा हूँ, जैसे कि ये कौन सा रहने वाले हैं? ब्रिटिश एकॉस्टिक। अच्छा, ब्रिटिश एकॉस्टिक की ब्रांड है जी। और ये कौन सा मैनुअल क्रॉसओवर है? मैनुअल क्रॉसओवर, क्रॉसओवर है जी जी। और उसके नीचे देख पा रहा हूँ, ये क्या? डिजिटल क्रॉसओवर। अच्छा, डिजिटल क्रॉसओवर, ये भी सेम ही है जी जी। नहीं, ये PW6 करके मॉडल आता है। हाँ जी, और ये बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जिन लोग को कम बजट में अच्छा चीज है। कम बजट से मेरा मतलब, फिर इसका प्राइस क्या होगा? ये 35,000 का ये। तो ये थे सर तोरंग के ओनर, अपने मिट्टू भैया, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे इस सेटअप के बारे में, और कैसा प्राइस है, क्या चीज़ इनके पास करंटली अवेलेबल है, जैसे कि कैबिनेट, स्पीकर। बाकी भैया अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।